हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल टेक्निकल एम कैडियर में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लिस्ट कैसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप भी अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं और आपका अभी तक पैसा नहीं आया है, तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि किस तरह से आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल का कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर दे रहा हूँ। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद फ्रेंड, यहाँ पे टाइप करना होगा पीएम किसान या pmkisan.gov.in भी आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पीएम किसान यहाँ पे सर्च कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पीएम किसान का यहाँ पे फर्स्ट वाला जो साइट आ रही है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन आ गए हैं, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं बेनिफिशियरी लिस्ट पर आपको क्लिक कर देना होगा। बेनिफिशियरी लिस्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं बेनिफिशियरी लिस्ट अंडर पीएम किसान, और यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको ब्लॉक, उसके बाद विलेज। तो यहाँ पे सारा डिटेल आपको भर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं स्टेट पे क्लिक कर दे रहा हूँ, और इंडिया में जितने भी स्टेट हैं वो सारे स्टेट यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो जिस भी स्टेट में आप रहते होंगे उस पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक कर दीजिए और अपना सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर से आपको ब्लॉक, जो आपका ब्लॉक होगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना ब्लॉक, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सब कुछ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद विलेज, आपका जो भी गांव होगा उस पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना गांव सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। गांव सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर दे रहा हूँ। गेट रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं फार्मर का नेम यहाँ पे आ जाएगा और जेंडर मेल है या फीमेल यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी लिस्ट यहाँ पे इस तरह से शो हो जाएगी। अगर मान लीजिए इस लिस्ट में यहाँ पे नहीं आपका नाम है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 लिखा है, तो 2 पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इसमें भी अगर आपका नाम नहीं रहेगा तो आप तीसरे पर, चौथे पर, पांचवे पे क्लिक करके आप पूरी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि इस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। तो फ्रेंड मैं बता दूं कि अगर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको फिर से दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है और आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो आपको फ्रेंड यहाँ से बैक आना होगा, और बैक आने के बाद इस फिर से फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करके और यहाँ पे देख सकते हैं बेनिफिशियरी स्टेटस, इस पर क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर लेना होगा। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर डाल करके चेक कर सकते हैं। अगर आपका इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा, जैसे मान लीजिए आपका नाम गलत होगा, अकाउंट नंबर गलत होगा या कोई अन्य डिटेल वहां पे गलत होगा, तभी आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो यहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपका क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड ये रही छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।